कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हो जाएं सावधान, कहीं आपकी कोल्ड ड्रिंक में कूड़ा ना हो, कहीं ये कूड़े वाली कोल्ड ड्रिंक पीकर आप अस्पताल ना पहुंच जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपको कूड़ा दिखाई दे। ऋषिकेश में चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार के साथ कुछ ऐसा ही धोखा हुआ है। आपको बता दें कि इस दुकानदार ने पिछले महीने ऋषिकेश बाजार के लक्ष्मण झूला मार्ग स्थित विजय एजेंसी से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदी थी, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने कस्टमर को देने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई तो उसे उसमें कुछ दिखाई दिया। उसने जब गौर से देखा तो कोल्ड ड्रिंक में कूड़ा नजर आया। कूड़े को देख दुकानदार के होश उड़ गए, क्योंकि अगर वो ये कोल्ड ड्रिंक बेच देता तो उसे लेने के देने पड़ जाते। बहरहाल समय रहते उसने ये देख लिया, लेकिन जब उसने एजेंसी संचालक को कोल्ड ड्रिंक में कूड़ा होने की बात बताई तो उसने कंपनी को जानकारी देने की बात भर गई। बहरहाल दुकानदार उत्तम सिंह रावत ने इस बाबत खुद ही कंपनी से भी संपर्क किया, लेकिन कंपनी की ओर से उसे कोई सहयोगात्मक जवाब नहीं मिला। मेरे एक जान परिचित दोस्त ने मेरे से माजा मांगी और मैंने जैसी माजा निकाली उसमें एक कीड़ा नजर आया और साथ में एक जाला भी नजर आया। और 21 अगस्त को पहली कंप्लेंट हमारी कंपनी को हुई है, उसके बाद कंपनी ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। कंपनी का आदमी यहाँ आया था और कबूल करके सारा कि ये बोतल हमारी कंपनी की है और इसकी क्लिप भी बना के ले गया, और कंपनी वाली क्लिप भी हमारे पास है कि इनकी मतलब ये बोतल है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आज तक हमें। पहले इन्होंने डराया कि बाहर आउट मत करो, ना मीडिया में दो ना अखबार में दो, हम आएंगे और इसका सोल्यूशन वहीं पर करेंगे, आउट मत करो, किसी को मत दो। लेकिन अभी तक ना डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा कोई कार्रवाई हुई है और नहीं कंपनी के द्वारा कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एजेंसी मालिक ने उत्तम सिंह को कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई ही बंद कर दी। एक्चुअली हम तो सप्लायर हैं कंपनी के, मतलब हमारा एग्रीमेंट भी है कंपनी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो तो पैक प्रोडक्ट है, तो उस बंदे ने शायद उसमें कस्टमर केयर का नंबर भी है, उस बॉटल के ऊपर सब कुछ है, तो वो उससे उनसे संपर्क कर सकता है। हमने भी बाकी कंपनी को आगाह कर दिया था इस मामले में। कोल्ड ड्रिंक में कूड़े की इस घटना ने साबित कर दिया है कि कंपनियां कितनी लापरवाह हैं। क्वालिटी के नाम पर कूड़ा भरी कोल्ड ड्रिंक बेची जा रही है। कोई छोटी मोटी कंपनी ऐसा करे तो एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन बड़ी कंपनी की यह गलती यकीनन हैरान करती है जो अपनी क्वालिटी का दम भरते हैं। वहीं सोचिए कि अगर ये कूड़े वाली कोल्ड ड्रिंक का सेवन कोई कर लेता तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ता। वही कंपनी है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऋषिकेश से साधना न्यूज के लिए रजनीश की रिपोर्ट।